दोस्तों हमारे आसपास बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें हम अपनी नॉर्मल आंखों से देख नहीं पाते। जैसे कि आपको पता है कि इंजेक्शन लगवाने या फिर मच्छर काटने के बाद उस काटी हुई जगह पर सरफेस किस तरह से नजर आता है। क्या आप जानते हैं कि चींटियां माइक्रोस्कोप में देखने पर किसी राक्षस से कम नहीं लगती। क्या आपको पता है कि दही वाले बैक्टीरिया में लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया आखिर में कैसा दिखता है। और तो और क्या आप सोच सकते हैं कि ह्यूमन स्पर्म माइक्रोस्कोप में देखने पर किस तरह से नजर आता होगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम ऐसी चीजों को माइक्रोस्कोप की मदद से देखेंगे जिससे वाकई आपके होश उड़ जाएंगे। नंबर 15, गार्डन के घास को आप रोज पैरों से दबाकर निकल जाते हैं, लेकिन इस घास को माइक्रोस्कोप में देखने के बाद आपको इनसे दोस्ती करने का मन करेगा, क्योंकि माइक्रोस्कोप में घास कुछ इस तरह से स्माइल करते हुए नजर आती है। माइक्रोस्कोप का ये नजारा वाकई बहुत सेटिस्फाई लग रहा है। ये घास ऐसे लग रही है जैसे आपको वेलकम करने के लिए गार्डन में खड़ी हो। अगर आप इन्हें नॉर्मल आंखों से देख पाते तो शायद हर रोज इनकी खूबसूरत स्माइल को देखकर आपका मूड अपने आप अच्छा हो जाता। नंबर 14, इंसान की जीभ देखने में काफी स्मूथ नजर आती है और यही जीभ आपको खाने का टेस्ट भी बताती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि माइक्रोस्कोप में ये जीभ कैसी दिखती होगी? चलिए आज हम आपको दिखाते हैं। दोस्तों जब आप माइक्रोस्कोप में जीभ को देखेंगे तो आपको इसके ऊपर कुछ इस तरीके का दिखाई देगा, कुछ इस तरह के उठे हुए कांटे नजर आएंगे। इसके आगे और भी ज्यादा जूम करने पर आपको जीभ किसी समंदर के बॉटम पर लगे हुए पेड़ पौधों की तरह लगेगी। ये उठे हुए कांटे और दाने जैसे चीज आपके टेस्ट बड्स होते हैं और यही स्ट्रक्चर आपके टंग्स को बनाते हैं, जो हर इंसान के अलग अलग होते हैं। नंबर 13, इंजेक्शन की सुई कितनी भी छोटी क्यों ना हो, फिर भी उसे लगवाने से सभी को डर लगता है। लेकिन आपने सुई को कभी माइक्रोस्कोप के अंदर रखकर देखा है? क्या आपने सुई लगवाने के बाद जहां सुई लगी थी उस जगह को देखा है? आप गारंटी के साथ सुई को माइक्रोस्कोप में देखकर हैरान हो जाएंगे। असल में सुई माइक्रोस्कोप में देखने पर बहुत बड़ी नजर आती है, जिसके एंड पर एक होल होता है जिसके द्वारा बॉडी के अंदर दवाई पहुंचती है। लेकिन सुई लगने के बाद कोई घाव तो नहीं दिखता है, लेकिन जब आप उस जगह को माइक्रोस्कोप के देखेंगे तो सुई लगी हुई जगह पर आपको इस तरीके का बड़ा होल दिखाई देगा जो वाकई में आपको डरा देगा। नंबर 12, क्या आप जानते हैं कि आपके फेस के स्किन के ऊपर भी स्किन माइट्स होते हैं? जी हाँ, ये माइट्स नॉर्मल आंखों से नहीं देखे जा सकते, लेकिन माइक्रोस्कोप में आप इन माइट्स को आराम से देख सकते हैं। जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं कि इन माइट्स की शेप लंबी होती है और आगे की तरफ इनके पैर जैसे कुछ निकला हुआ होता है। ह्यूमन स्किन पर माइट्स का होना एक नॉर्मल सी बात है, इनसे कोई नुकसान नहीं होता है। बस कभी कभी इम्यून सिस्टम के इम्बैलेंस होने से नॉर्मल स्किन प्रॉब्लम्स जैसे कि एक्ने, रेडनेस वगैरह हो जाती है। इन माइट्स को मेडिकल भाषा में डेमोडैक्स कहते हैं, जिनका काम होता है डेड स्किन सेल को रिमूव करना है। नंबर 11, मच्छर दिखने में जितने छोटे होते हैं असल में उतने ही ज्यादा खतरनाक होते हैं। मच्छरों के काटने से डेंगू मलेरिया जैसी बीमारियां फैलती हैं, और जब आप माइक्रोस्कोप में किसी मच्छर को देखेंगे तो इसके बॉडी स्ट्रक्चर में बहुत सारी बारीकियां देख पाएंगे। जैसे जिस सुई जैसे मुंह से मच्छर खून को चूसते हैं, पहले तो वो नॉर्मल सुई की तरह ही होता है, लेकिन बॉडी में एंटर करते ही इस एक मुंह में अलग अलग पार्ट निकल आते हैं जो एक साथ ज्यादा से ज्यादा ब्लड चूस लेते हैं। मच्छरों के पैर पर कुछ कांटे से भी निकले हुए होते हैं, और अभी तक मच्छरों की लगभग 3000 प्रजातियां खोजी जा चुकी। इनके पहचान आप माइक्रोस्कोप से आराम से कर सकते हैं। नंबर 10, अंडे का छिलका यानी कि एज सेल देखने में काफी स्मूथ और सिंपल नजर आता है, और व्हाइट कलर होने की वजह से ये बिल्कुल अजीब नहीं लगता। लेकिन क्या आप जानते हैं कि माइक्रोस्कोप में अंडे का छिलका देखने पर बहुत कॉम्प्लेक्स और अजीब नजर आता है। अंडे का छिलका माइक्रोस्कोप में देखने पर कुछ इस तरीके का भूलभुलैया जैसा नजर आता है। वैसे अगर गौर करेंगे तो कुछ टॉम एंड जेरी में दिखाई जाने वाला चीज की तरह लगेगा। नंबर 9, दोस्तों चींटियां अंटार्कटिका को छोड़कर दुनिया के हर कोने में मौजूद हैं। क्या आप जानते हैं कि ये चींटियां दिखने में जितनी छोटी होती हैं और मासूम लगती हैं, माइक्रोस्कोप में देखने पर उतनी ही ज्यादा खतरनाक लगती हैं। जैसा कि आप इस माइक्रोस्कोप की तस्वीर में देख सकते हैं, चींटी का फेस कितना अजीब और डरावना लग रहा है। चींटियों की आंखें छोटे काले मोती की तरह लग रही हैं। इस चींटी का फेस किसी मूवी के डेविल या राक्षस की तरह लग रहा है। चींटियों की अलग अलग लगभग 1200 प्रजातियां होती हैं, जिनके बीच का फर्क माइक्रोस्कोप में देखने पर साफ दिखाई देता है, जैसा कि आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। नंबर 8, इंसानों की आंखें ह्यूमन बॉडी का वाकई बहुत खूबसूरत पार्ट होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि माइक्रोस्कोप में इंसान की आंख कैसी दिखती होगी? जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि इंसान की आंख का स्ट्रक्चर सच में बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। अगर आपकी नजर अचानक
इस माइक्रोस्कोप के फोटो पर पड़ती है तो ये आपको किसी डोनट की तरह लगेगी, लेकिन जब आप इसे गौर से देखेंगे तो ये यूनिवर्स में एक ब्लैक होल की तरह लग रही है। क्योंकि दोस्तों ह्यूमन आई की पुतली असल में खोखला हिस्सा ही होती है, ये पुतली अंदर की तरफ धसी हुई नजर आ रही है। इस पुतली का फंक्शन होता है लाइट को हमारी आंख के अंदर अलाउ करना और रेटिना पर फोकस करना। नंबर 7, अपनी खुद की स्किन को माइक्रोस्कोप में देखना वाकई में एक न्यू एक्सपीरियंस होगा। ह्यूमन स्किन के अंदर अलग अलग लेयर्स होते हैं, और क्या आप जानते हैं कि माइक्रोस्कोप की मदद से ह्यूमन स्किन को सबसे ऊपरी लेयर जिसे एपिडर्मिस कहते हैं क्लियरली देख सकते हैं। आप जान पाएंगे कि ऊपर से देखने में स्किन जितनी स्मूथ दिखती है असल में वो ऐसी होती नहीं है। स्किन पर अलग अलग तरह के पैटर्न से बने हुए होते हैं। जब आप स्किन को और जूम करके देखेंगे तो आपको अपनी स्किन से निकलने वाला पसीना भी दिखने लगेगा। नंबर 6, ये तो थर्ड क्लास के बाद से सबको पता है कि दही में लैक्टोबैसिलस नाम का बैक्टीरिया होता है, लेकिन उस बैक्टीरिया को हम में से अधिकतर लोगों ने नहीं देखा होगा। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया को आप सिर्फ माइक्रोस्कोप की मदद से देख सकते हैं। दही के अंदर कुछ इस तरह से मूविंग बैक्टीरिया होते हैं। अलग अलग रिसोर्सर के माइक्रोस्कोप में बैक्टीरिया की अलग अलग इमेजेस दिखती हैं, जिससे आप बैक्टीरिया को अलग अलग रिसोर्सर में देख सकते हैं। वैसे अगर आपको ये बैक्टीरिया नॉर्मली दिखाई दे देता तो शायद आप दही इतने मजे से खा नहीं पाते। नंबर 5, आंखों की पलकें आंखों के ऊपर होने का एक इम्पोर्टेंट पर्पज होता है। आई लेसेस आंखों के अंदर गंदगी और मिट्टी छोटे उड़ने वाले कीड़ों को जाने से रोकती है। अगर आप आई लेस को माइक्रोस्कोप में देकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आई लेस की ग्रोथ दोनों तरफ हो सकती है, जिसकी वजह से लोगों को सर्जरी तक भी करवानी पड़ जाती है। वैसे ऐसा बहुत रेयरली होता है। आई लेसेस के ऊपर एक माइट्स नाम का पैरासाइट भी मौजूद होता है, जिसे केवल माइक्रोस्कोप के हाई रिजोल्यूशन में देखा जा सकता है, जिसे आप वीडियो में देख सकते हैं। नंबर 4, दोस्तों सीएफएल बल्ब आने से पहले पुराने ऑरेंज लाइट वाले बल्ब आते थे। आपको इन बल्ब का स्ट्रक्चर अच्छे से याद ही होगा। क्या आप जानते हैं कि माइक्रोस्कोप में इस ऑर्डिनरी सी बल्ब को देखने पर किसी हाई टेक्स्ट सिटी की बिल्डिंग को देखने जैसी फीलिंग आती है। माइक्रोस्कोप में देखने पर बल्ब का ग्लास किसी बिल्डिंग की आउट बाउंड्री और अंदर का स्ट्रक्चर दो बिल्डिंग्स की तरह लग रहा है, जिसमें ऊपर लगे स्प्रिंग मानो ऐसी एक्सीलेटर हो जो दोनों बिल्डिंग्स को जोड़कर बनी हुई है। ये माइक्रोस्कोप का व्यू काफी खूबसूरत होता है। वैसे आप इसे इमेजिनेशन के लिए दूसरे प्लैनेट्स का एक घर भी मान सकते हैं। नंबर 3, अपने जिन पेट्स को आप दिन भर प्यार करते हैं और चुनते रहते हैं, कि आपको पता है कि उन्हीं पेट्स के बालों को माइक्रोस्कोप में देखने पर क्या नजर आता है। डॉग्स और कैट्स के बाल माइक्रोस्कोप में देखने पर कुछ इस तरह से बहुत सारे धागों के नजर आते हैं। वहीं अगर आपके डॉग की स्किन पर कीड़े होते हैं तो वो माइक्रोस्कोप में कुछ इस तरह से दिखते हैं। ये कीड़े डॉग के स्किन पर चिपके हुए होते हैं और बालों को जकड़ लेते हैं, जिससे बाल खिंचते हैं और पेट्स को खुजली होने लगती है। इसीलिए आपको अपने डॉग्स को रेगुलरली नहलाना चाहिए। आफ्टर ऑल ये माइट्स गंदगी की वजह से होते हैं। नंबर 2, लिपस्टिक होंठों को खूबसूरत बनाती है, लेकिन क्या आपको पता है कि लिपस्टिक का माइक्रोस्कोप का व्यू थोड़ा डरावना होता है। दोस्तों जब आप इस स्टिक को माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो आपको कुछ इस तरीके का दृश्य दिखाई देता है। ये देखने में किसी चुड़ैल की घर की दीवार लग रही है, जहाँ पर खून ही खून है। आप गौर करें तो आपको पता चलेगा कि लिपस्टिक का मटेरियल असल में इतना स्मूथ नहीं होता जितना वो स्टिक में नजर आता है। फैक्ट नंबर 1, क्या आपने ह्यूमन स्पर्म की माइक्रोस्कोपिक पिक्चर देखी है? ये पिक्चर में ये जो कुछ दिखाई दे रहा है छोटी छोटी मछलियों की तरह तैरता हुआ दिख रहे हैं, यही असल में मेल स्पर्म होते हैं, जिसमें दूसरी लाइफ की क्षमता होती है। ये स्पर्म इसी तरह से चलते रहते हैं। मेल्स के अंदर ऐसे अनगिनत स्पर्म होते हैं जो लगातार ऐसे ही मूव करते रहते हैं और नई जिंदगी बनाने की कोशिश करते रहते हैं। जी हाँ, 3 Idiots मूवी की तरह दोस्तों। तो दोस्तों ये थे कुछ अमेजिंग फैक्ट। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।